हाय एवरीवन, सो मैं हूँ भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369 से, आप सभी के टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। आगे चलते हैं, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूँ, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, सब इस रीडिंग को बिल्कुल देख सकते हो। ये रीडिंग सभी के लिए बनाई जा रही है, ओके। और ये ऑल ज़ोडियक बेस्ड रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो आप एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करें, अगर एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो पा रहे हैं तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। सो सबसे पहले मून की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। सबसे पहले स्टार्ट आज मून की एनर्जी से हुआ है। टू ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स, बॉटम में यहां पर एम्प्रेस की एनर्जी है। ने भी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके जोडियक साइंस एरियस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज यहाँ पर काफी स्ट्रांगली मुझे देखने को मिल रही हैं। और भी जोडियक्स आएंगे तो हम और जोडियक्स की बात करेंगे, बट बेसिकली जैसे मैंने आपसे कहा है, एनर्जी से कनेक्ट हो। अगर आप एनर्जी से कनेक्ट हो पा रहे हैं तो बिल्कुल ये रीडिंग फिर आपके लिए है। चलिए रीडिंग को जैसे कि हम देखें तो यहाँ पर मून और एम्प्रेस की एनर्जी है और 999 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जो नंबर आज मुझे बहुत स्पेसिफिक नजर आ रहे हैं वो है एक तो 912। ये नंबर्स आज बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हैं, हो सकता है ये आपके साथ किसी भी तरीके से रिलेट करते हों। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपके आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर आते हैं, या फिर ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सितंबर का मंथ बहुत लोगों के लिए स्पेशल हो सकता है, या स्पेशली हो सकता है कि आजकल आपको बहुत एंजेलिक नंबर्स नजर आ रहे हैं, जो मतलब सेम एंजेलिक नंबर्स लाइक 111, 888, 999, 222, इस तरीके से जो आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, ठीक है। आई कैन सी दैट एंजल्स आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो गॉड आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, वो भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल चलिए रीडिंग की तरफ अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो एम्प्रेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन उनको फील हो रहा है, आपको लेकर इस पर्सन को इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, कोई और है जिसके साथ अब आप खुश हो और आप इनको जैसे भूल चुके हो। आपके साथ एक स्ट्रांग डिटैचमेंट की एनर्जी ये पर्सन फील कर रहे हैं, ये डिटैचमेंट आपके पार्टनर को पेन दे रहा है, ये डिटैचमेंट की वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा हर्ट है, उनकी एनर्जी बहुत ऐसी है जहां पर बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज में मुझे यहां पर नजर आ रहे हैं, ओके। सो सबसे पहले तो मैं यहां पर ये एनर्जी देख रही हूं जहां पर आपके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं, आपके अंदर बहुत बदलाव आए हैं, आप काफी मैच्योर हो चुके हो, पहले से ज्यादा मैच्योर। पहले क्या चीज थी ना, आपके अंदर आप इमेच्योर थे, आपके अंदर मेच्योरिटी इतनी नहीं थी, जिस वजह से आप हमेशा इस पर्सन को चेज ही करते रहते थे, हमेशा इनको कॉल करना, मैसेज करना, ठीक है, एंड मतलब क्या क्या नहीं करा आपने। आपने कभी ईगो, प्राइड इस पर्सन को दिखाई नहीं, ओके। आपने इवन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान नहीं रखा, मैं ये भी यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन आप कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत स्ट्रांग मैच्योरिटी आ चुकी है, जहां पर अब आप समझ चुके हो कि इस पर्सन को बार बार कॉल करने से, मैसेज करने से कुछ नहीं होने वाला है, ओके। और आप कहीं ना कहीं अब अपने आसपास आपने जैसे बाउंड्री सेट कर ली है, मैं उस एनर्जी में आपको देख रही हूँ, जहां पर अब आप काफी मैच्योर हो चुके हो और अब आप प्रैक्टिकल और लॉजिकल चीजों की तरह मतलब चीजों को हैंडल कर रहे हो, जहां पर अब आप काफी प्रैक्टिकल हो चुके हो, लॉजिकल हो चुके हो। जहां पर आपको इमोशंस दिखाने चाहिए अब वहां पर इमोशंस दिखा रहे हो, और जहां आपको प्रैक्टिकल बनकर रहना चाहिए वहां आप प्रैक्टिकल बनकर रह रहे हो, ओके। सो काफी मैच्योरिटी मैं आपके अंदर देख रही हूँ, जहां पर अब आप एक मैच्योर पर्सन की तरह इस रिलेशनशिप को देख रहे हो।
यहाँ पर भी मून की एनर्जी भी यहाँ पर इस चीज को डिफाइन कर रही है कि हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको थ्री पार्टी सिचुएशन में डाला है। देखो थ्री पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली हो सकती है यहाँ पर, हो सकता है आपके पार्टनर ने पास्ट में उनके पास ऑप्शंस थे, आप थे, आपके अलावा भी कोई और था, और उन्होंने आपका सैक्रिफाइस कर उस थर्ड ऑप्शन को चूज करा, उस थर्ड पार्टी को चूज करा। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर उन्होंने आपको छोड़ने का, आपको सैक्रिफाइस करने का फैसला जैसे पास्ट में लिया है। जो भी ब्लॉकेजेस आई हैं वो आपके पार्टनर की तरफ से आई हैं। मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूँ कि उन्होंने खुद आपसे बात बंद कर दी, खुद आपको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया। कुछ लोगों की रिलेशनशिप में उनको गोस्ट की एनर्जी दे दी गई, यानी आपके पार्टनर के अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि वो आंखों में आंखें डालकर आपको कह सके कि अब वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। ओके, एंड ये पर्सन ने आपको कोई भी मतलब क्लैरिटी नहीं दी और एकदम से सडन, ऑल ऑफ सडन उन्होंने आपसे बात बंद कर दी। ठीक है, इनके अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि आपकी आंखों में आंखें डालकर कह सके कि भाई अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जानते थे कि ये गलत हैं। इन्हें भी पता था कि आपके पार्टनर को भी पता था कि आपके पार्टनर गलत हैं, और उनका उन्होंने आपके साथ जो बड़े बड़े वादे करे थे, बड़े बड़े प्रोमिसेस करे थे, ठीक है, उन्हें भी एहसास है कि उनके आपको गोस्ट की एनर्जी देने के बाद या उनके आपसे बात करने के बंद करने के बाद, ठीक है, आपको ब्लॉक करने के बाद, ठीक है, उन्हें भी इस चीज का एहसास था कि आप कितना ज्यादा हर्ट हुए होगे, आप कितना ज्यादा रोए होगे, आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। उनको भी इस चीज का एहसास है, तभी तो उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो आंखों में आंखें डालकर आपको मना कर सकें कि हाँ अब उन्हें आपसे बात नहीं करनी है। तो जिन लोगों के पार्टनर ने भी उनको गोस्टिंग की एनर्जी दी है, तो वहां पर मैं सेम यही एनर्जी देख पा रही हूँ। ठीक है, जहां पर आपके पार्टनर ने के अंदर वो हिम्मत, वो ताकत ही नहीं थी कि वो आपका सामना कर सके, और जिन लोगों के पार्टनर, और यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जहां पर डायरेक्टली आपके पार्टनर ने आपको मना भी करा है। ठीक है, तो कुछ कनेक्शंस ऐसे भी यहाँ पर हैं जहाँ पर देखो हर किसी की सिचुएशंस अलग हैं, तो मैं सब सिचुएशंस को यहाँ पर ले रही हूँ। एंड यहाँ पर कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको साफ साफ मना कर दिया है कि अब वो आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब उन्हें थर्ड पार्टी की तरफ जाना है। ठीक है, तो कुछ लोगों के पार्टनर ने उन्हें बिल्कुल डिनाय कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, और उन्हें पूरे तरीके से मना कर दिया है, या फिर आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव करा है इस पर्सन ने, बहुत टॉक्सिक बिहेवियर कहीं ना कहीं इस पर्सन ने दिया है आपको। और ये मून की एनर्जी इस चीज को डिफाइन कर रही है कि जो कुछ भी उन्होंने पास्ट में आपके साथ करा है, आज अपने उस डिसीजन पर ये व्यक्ति पछता रहा है। इस पर्सन को एक पछतावा हो रहा है कि ये कितने गलत रह गए। ठीक है, इन्होंने कितना कुछ गलत कर दिया पास्ट में, और अगर इन्होंने वो गलत नहीं करा होता, ठीक है, और थर्ड पार्टी की बजाय अगर इन्होंने आपकी सुनी होती, आपको चुना होता, ठीक है, तो आज शायद ये खुश होते, आज इनकी जिंदगी में सुकून होता, आज इनकी लाइफ में हैप्पीनेस होती। ठीक है, इनके पास कोई ऐसा व्यक्ति होता जो इनका अपना होता। ठीक है, और आज ये इस चीज का भी एहसास कर पा रहे हैं। ये लिटरली मुझे पुराने यादों में जैसे डूबे हुए से नजर आ रहे हैं। मून की एनर्जी है, हाईली इमोशनल हो रहा है ये व्यक्ति, रोने की इच्छा हो रही है इस पर्सन की। ठीक है, इनके हाथ में जैसे कुछ नहीं है, इनको बहुत हेल्पलेस महसूस हो रहा है। इनको ये भी समझ में आ रहा है कि आप अब इररिप्लेसेबल हो, उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके दिल में जो अब आपकी जगह है ना, वो कोई और ले ही नहीं सकेगा। ठीक है, वो अपने दिल से आपको कभी निकाल ही नहीं पाएंगे, तो आप इररिप्लेसेबल बन गए हो इस व्यक्ति के लिए। ये पर्सन जो है इस मून की एनर्जी में है। मून की एनर्जी में होने का मतलब है कि बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज्यादा उदास हैं, दुखी हैं। अपने पास में लिए गए सब डिसीजंस के लिए ये पर्सन बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, ऐसी इनकी एनर्जीज है। इनको आपके साथ फासले महसूस हो रहे हैं, जैसे चांद होता है ना, हम चांद को देख पाते हैं, चांद कितना अट्रैक्टिव होता है हमारे लिए, है ना, कितना अट्रैक्टिव होता है। तो और चांद ऐसी चीज होती है जो हर जगह रोशनी फैलाता है। आपको ये इस एनर्जी में देख रहे हैं जहां अब इनके लिए आप चांद की तरह बन चुके हो, जो बहुत दूर भी है इनसे और जो चमक भी रहा है। ठीक है, ये आपको चमकते हुए देख रहे हैं, आपको ग्रो करते हुए लाइफ में देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है आप खुश हो अपनी लाइफ में, आप इनको भूल चुके हो, इनको भुला चुके हो। तो ये और आपको ये अब हासिल करना चाहते हैं। एक छोटा बच्चा कैसे होता है, एक छोटा बच्चा होता है ना, वो जब चांद को देखता है ना, उसकी इच्छा होती है कि वो चांद को पकड़ ले, चांद को चाहता है, चांद के साथ खेलना चाहता है वो, होता है ना।
ये इनकी भी कुछ ऐसी ही इच्छा है जहां पर आप इन्हें इतने अट्रैक्टिव लग रहे हो, लेकिन और ये आपको वापस हासिल भी करना चाहते हैं, ठीक है, आपको वापस अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ फासले भी महसूस होते हैं इनको। ओके, सो आपके साथ कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को फासले भी महसूस होते हैं। अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए 999 999 की एनर्जीज है। अभी कमेंट में 999 लिखी है इस वीडियो के, ठीक है, कमेंट में 999 लिखने का मतलब है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपकी विशेष हैं, वो अब कहीं ना कहीं पूरा होने वाली है। ओके, सो 999 की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर ये व्यक्ति बहुत स्लीपलेस नाइट्स हैं इनकी, ठीक है, यानी ये देर रात तक आपके बारे में सोच रहे हैं, इन्हें स्ट्रेस हो रहा है, इन्हें जितना ज्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं, जितना ज्यादा ये इस बारे में सोच रहे हैं ना कि आप इनसे दूर जा चुके हो, जितना ज्यादा ये आपकी कमी का एहसास कर रहे हैं, उतना ज्यादा इनको स्ट्रेस और बर्डन महसूस हो रहा है, ठीक है, उतना ज्यादा स्ट्रेस महसूस हो रहा है इस पर्सन को। यहाँ पर भी देखी जाए तो 9 of Wands and 9 of Cups आप तक पहुंचने में इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है, ये आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन इनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ब्लॉकेजेस हैं रास्ते में, ठीक है। सबसे बड़ी ब्लॉकेज तो ये है थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, सबसे बड़ी ब्लॉकेज है थर्ड पार्टी सिचुएशन, यानी जो भी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है ना, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है और वो इनको अपने हाथ से, यानी कहते हैं ना कि अपने चंगुल से बाहर नहीं जाने देना चाहती। तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनकी लाइफ में, इट इज दैट एनर्जी कि वो थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि ये चले जाए, ठीक है, ये आपकी तरफ आगे बढ़े। थर्ड पार्टी भी पूरी कोशिश करती है इनको कंट्रोल करने की, इन पर नजर रखने की पूरी कोशिश करती है। सो दिस इज 9 of Cups की एनर्जी है, देखते हैं ये क्यों एनर्जी निकल कर आई है, हम और भी कार्ड्स चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में, क्या जानना चाहिए मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन में, क्या गाइडेंस है उनके लिए। सबसे पहले एम्परर की एनर्जी है, दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स, 5 of Swords, हायरोफेंट, एम्प्रेस, ओके, एम्प्रेस की एनर्जी दो बार रिपीट हो रही है और मून की एनर्जी भी, देखो कितना स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस है मून का आपके रिलेशनशिप में गाइस, ठीक है। ये पर्सन ने मून यानी आपके इमोशंस को, ठीक है, मून इज अ साइन ऑफ इमोशंस, आपके इमोशंस को बहुत ज्यादा कंट्रोल करा है, यानी ऐसा होता था कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अगर आपसे अच्छे से बात करते थे तो यस यू आर हैप्पी, आप हैप्पी थे, आप खुश थे, और अगर ये पर्सन आपसे अच्छे से बात नहीं करते थे, आपको इग्नोर करते थे, तो कहीं ना कहीं आप दुखी थे, है ना, दुखी हो जाते थे, आप खुश नहीं रहते थे, तो आपका मूड कहीं ना कहीं ये व्यक्ति कंट्रोल कर रहा था, है ना, आपके इमोशंस को ये पर्सन ने कंट्रोल करा है, इसके एक्शंस, इस पर्सन के बिहेवियर ने आपके इमोशंस को कंट्रोल करा है। आज मैं इनकी एनर्जी ऐसी देख रही हूं जहां पर ये एम्प्रेस की एनर्जी में है, यानी इन्हें आप ही के सपने आ रहे हैं, आप ही के सपने देख रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। मैंने कहा ना ये पर्सन हाईली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, ओके, इन्हें ध्यान आ रहा है कि आपके साथ कितना अपनापन था, कितना अच्छा था आपके साथ सब कुछ, जो भी बीते हुए पल थे, बीते हुए मोमेंट्स इस पर्सन को बहुत ज्यादा याद आते हैं, ओके। सो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है जहां पर ये व्यक्ति आप ही के सपने देख रहे हैं, आप ही को अपने सपनों में देख रहे हैं, अपने ख्वाबों में देख रहे हैं, और इन्हें इस चीज का भी एहसास हो रहा है कि ये हार गए। देखो चाहे इस कनेक्शन में, ठीक है, जीत किसी की भी हुई हो अभी तक, ठीक है, उनकी ईगो जीत गई, ठीक है, उनका प्राइड भी जीत गया इस कनेक्शन में, लेकिन जो हारा है ना वो उनका दिल है, लिटरली। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ना जीत कर भी जैसे हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, इस जीत की कोई खुशी नहीं है उनको, ठीक है। आपको ईगो दिखाया, हो सकता है इस समय ये व्यक्ति ईगो में बैठे हुए हैं, हो सकता है इस समय ये व्यक्ति जो है एक तरीके के अपने एटीट्यूड में बैठे हुए हैं, पर लेकिन खुश ये भी नहीं है, ठीक है, खुश ये भी नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल इनको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये हार गए हैं, सब कुछ जीत कर भी हार गए हैं, ठीक है। इन्होंने सच्चा प्यार अपनी जिंदगी में खो दिया है, आप इनकी लाइफ का सच्चा प्यार रहे हो, और इनको सच में ये महसूस होता है कि इन्होंने
सच्चा प्यार अपनी जिंदगी में खो दिया है। जिंदगी ने इन्हें एक मौका दिया था, ठीक है, कि ये सच्चा प्यार हासिल कर सके। जिंदगी ने इन्हें सच्चा प्यार दिया था, वो चीजें दी थी जो ये हमेशा से चाहते थे, लेकिन ये उन चीजों की कदर नहीं कर पाए। ये आपके आपने जो इन अनकंडीशनल लव दिया, प्योर लव दिया ना, ये उस प्यार की कदर नहीं कर पाए। ओके, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ईगो है अभी भी, ये ब्लॉकेजेस हैं इनकी लाइफ के। ये जो तीनों किंग्स की एनर्जीज आई है ना, ठीक है, ये ब्लॉकेजेस हैं उनकी लाइफ की। यानी इनकी लाइफ की ब्लॉकेजेस क्या है, क्या चीजें इन्हें रोकती हैं? एक तो इनकी ईगो इन्हें रोकती है। ये पर्सन अभी भी ईगो में बैठे हुए हैं, ठीक है, अभी भी ये झुकने को तैयार नहीं है। अभी भी इन्हें लग रहा है कि मैं पहले क्यों बात करूं, पहल मैं क्यों करूं, ठीक है, अभी भी अपने ईगो में बैठे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभी भी ये पर्सन उतने ही मटेरियलिस्टिक नजर आ रहे हैं जो पर्सन जो ये पहले थे, ठीक है। ये बहुत लॉजिकल होकर सोच रहे हैं, ठीक है। देखो, जब दिल की बात आ जाए ना, तो फिर दिल से सोचना चाहिए, है ना। जब बिजनेस की बात हो, जब मेटलिस्टिक चीजों की बात हो, तो बिल्कुल आप लॉजिकल होकर सोचो, लेकिन जब दिल की बात आ जाए ना, तो आपको दिल से सोचना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति में आप तो इमोशनल होकर सोच रहे हो, आप इमोशनल होकर सोच रहे हो, लेकिन आज भी ये व्यक्ति प्रैक्टिकल होकर सोच रहा है, लॉजिकल होकर सोच रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर पहल ये कर देंगे, आपसे बात की पहल अगर इन्होंने कर दी, ठीक है, तो कल को जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो आप ही इन्हें ताना मारोगे कि भाई तुम ही आए थे मेरे पीछे। और ये चीज नहीं चाहते कि आप इन्हें किसी तरीके का ताना मारो। ये अपनी ईगो पे बात नहीं ले सकते। ये भी बहुत सेल्फ मेड पर्सन है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई है आपके पार्टनर की। इन्होंने भी, इनकी एनर्जी भी ऐसी हो सकती है कि जो कुछ भी आज अपनी लाइफ में है, अपने करियर में है ना, इन्होंने ये चीजें बहुत ही हार्डवर्क के बाद हासिल करी हैं। इन्होंने स्ट्रगल्स देखी हैं लाइफ में, ठीक है, शायद उन स्ट्रगल्स ने, पास्ट में जितनी स्ट्रगल्स इन्होंने देखी है ना, शायद उन्हीं चीजों ने इनको इतना प्रैक्टिकल और इतना लॉजिकल बना दिया है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज भी यहाँ पर है, यानी आज भी ये फायदे और मुनाफे के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है, देखो, आप दोनों के बीच में स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस हैं, फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर हाई स्टेटस के हैं, आप इतने हाई स्टेटस के नहीं हो, और ये इस समय अपनी रेपुटेशन के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके साथ जुड़ते हैं, आपके साथ कनेक्शन को आगे लेकर जाते हैं, तो उससे इनकी रेपुटेशन पर फर्क पड़ेगा, ठीक है, सोशल इमेज पर फर्क पड़ेगा, और ये अपनी सोशल रेपुटेशन को खराब नहीं करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी एनर्जी है जहां आज भी ये दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर जो मेन ब्लॉकेज मुझे देखने को मिल रही है ना, वो है ये, यानी आज भी ये सोच रहे हैं कि दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, ठीक है, इनके रिलेटिव्स क्या कहेंगे, इनकी फैमिली क्या कहेगी, है ना। तो ये चीज आज भी इनके दिमाग में है, ठीक है, कि चार लोग क्या कहेंगे, ये इस चीज में आज भी अटके हुए हैं, ठीक है। ये अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं, अभी भी अपने इनर इनसाइट की, अपने दिल की ये पर्सन आज भी नहीं सुन रहा है, ठीक है। ये सोच रहे हैं तो क्या, कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जिससे इनकी सोशल इमेज पर फर्क पड़े। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी शादी हो चुकी है या इनकी शादी हो चुकी है, ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और आपको अगर ये दुनिया के सामने एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तो ऑफकोर्स सोशल इमेज पर फर्क पड़ेगा इनके। या फिर अगर आप एक लो स्टेटस के हो, ये हाई फाइनेंशियल स्टेटस के हैं, ठीक है, तो भी फर्क पड़ेगा इनकी इमेज पर, इनके बिजनेस पर, इनकी रेपुटेशन पर। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो इनकी रेपुटेशन पर, इनकी सोशल इमेज पर फर्क पा रहा है, फर्क पा रहा है, ठीक है। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स और बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की एनर्जीज, उनके पार्टनर के दिल का हाल, उनके पार्टनर के दिल में और क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो कंपैरिजन है आज भी, ये प्रेजेंट एनर्जीज हैं। देखो, हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है कि हमेशा ये ब्लॉकेजेस रहेंगी, नहीं, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है आपने कि हमेशा रहेंगी, नहीं। शेयरिंग, सॉरो, पॉसिबिलिटीज, फ्रेंडलीनेस, ट्रस्ट एंड इनोसेंस, ग्रेट। तो यहाँ पर जो एनर्जीज मैं देख रही हूं ना, देखो, आपके बिना ही तड़पते हैं, आपके बिना इनको रोना भी आता है, नींद भी नहीं आती है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है इस पर्सन की लाइफ में,
ठीक है, लेकिन फिर भी ये अपने दुख, अपने आंसू किसी को भी नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब इनके आसपास जो इनके फैमिली मेंबर्स होंगे या फिर इनके फ्रेंड्स होंगे, इनके कलीग्स होंगे, इनका ऑफिस होगा, इनका बिजनेस होगा, जो भी इनके आसपास लोग हैं, ये किसी को नहीं दिखा रहे हैं अपने ये आंसू। ये चीज सिर्फ और सिर्फ जब ये अकेले होते हैं ना, तब इस एनर्जी में आते हैं, ठीक है। जब ये अकेले होते हैं ना, इनका रोने का बहुत ज्यादा मन करता है। जब ये अकेले होते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। जब ये अकेले होते हैं ना, तो इनको आप ही के ख्याल आते हैं, आप ही को इमेजिन करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस देखते होंगे, आपकी पिक्चर्स से बात करते होंगे, ठीक है। और ये अकेले होते हैं ना, तो ये भी सोचते हैं कि कैसे चीजों को सही करा जाए। तो स्पेशली इनकी ऐसी एनर्जी ये है जहां पर ये इस एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ मतलब ये किसी को नहीं दिखा रहे हैं ये अपनी एनर्जी, ठीक है। और ये लिटरली आपके लिए तड़पते हैं उस मोमेंट पर जब ये अकेले होते हैं। ये स्पेशली तब वक्त होता है जब देखो जब रात का समय होता है, ठीक है। जब रात के समय ये बिल्कुल अकेले बैठते हैं ना, तो ये आपके बारे में ही सोच रहे होते हैं। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जीज भी देख रही हूँ जहाँ फ्रेंडलीनेस एंड पॉसिबिलिटीज, ठीक है, आज भी ये होपफुल है, कॉन्फिडेंस इनके अंदर आज भी है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे या आपको बात करना चाहेंगे आपसे, तो कहीं ना कहीं आप इनसे बात जरूर करोगे, ठीक है। तो एक होप, एक ट्रस्ट आपके ऊपर इतना तो इनका है, ठीक है। इन्हें पता है कि जो ये सोच रहे हैं, जो इनके दिमाग में नेगेटिविटी चल रही है, वो सही नहीं है, ठीक है। जो ये सोच रहे हैं ना कि आप किसी और के हो रहे हो, आपसे दूरियां बन रही हैं, इनसिक्योरिटी भी नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं ये भी पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर की नेगेटिविटी है, और ये अपनी उस नेगेटिविटी को हील करने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ पर भी देखिए, जिस भी सिचुएशन में है, अगर ये इवन थर्ड पार्टी के साथ भी इस मोमेंट पर है ना, तो आई कैन सी दैट एनर्जी के थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका दिल नहीं है वहां पर, ठीक है, इनका दिल नहीं है, इनका दिल आपके पास है, ठीक है। सो इट इज दैट एनर्जी जहां पर ये सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी के हर मोमेंट को ये कंपेयर करते हैं आपके साथ, ठीक है। उन्हें लगता है कि अब जैसे क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल, अब ये कभी अकेले होते थे तो ये आप इनके पास आ जाते थे या आपसे ये बात कर लेते थे, इनका दिल हल्का हो जाता था, ठीक है। अब थर्ड पार्टी के साथ जब ये अकेले होते हैं, तो थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ध्यान देती है, थर्ड पार्टी इनको इमोशनल सपोर्ट नहीं करती, इनको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं देती, ठीक है। तो इनके दिमाग में ना कंपैरिजन आता है। कैसा कंपैरिजन आता है? कंपैरिजन ऐसा आता है कि आप होते तो आप तो ऐसे थे, ठीक है, आप इनकी केयर करते थे, इनको मैसेज करते थे, इनसे बात करते थे, इनको इमोशनली सपोर्ट करते थे, लेकिन थर्ड पार्टी तो ये चीज़ें इनके साथ कर ही नहीं रही है। तो एक कंपैरिजन भी ये कर रहे हैं इस मोमेंट पर, आपको और थर्ड पार्टी को कंपेयर कर रहे हैं, और ये कंपैरिजन से ही इनको पछतावा हो रहा है कि इन्होंने कितना पास्ट में गलत कर दिया। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं विद दिस कार्ड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय आज मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के और क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जो ये चाह कर भी आपको भूल नहीं पाते, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो, नीड टाइम टू हील। ये जो इस समय एक्शंस नहीं ले रहे हैं, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं ना, तो ये चीजों को सही करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। मदर्स वाउंड, इट्स ऑन, इमोशनल इंटिमेसी, ग्रेट, ऑब्सेस्ड, नाइस, आई एम लीविंग एंड समथिंग टू से। ये पर्सन बहुत कुछ आपसे कन्फेस करना चाहता है, ठीक है, ये अपने दिल की फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं, ये अपने दिल की बातें आपसे करना चाहते हैं, ठीक है। जो ये आज फील कर रहे हैं ना, जो ये इतना इमोशनल फील कर रहे हैं, ये वो चीजें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो दिस पर्सन हैज समथिंग टू से, कुछ तो है इनके पास आपको कहने के लिए, आपको कन्फेस करने के लिए। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहाँ ये हाईली ऑब्सेस्ड है आपके लिए, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना कि आपके प्यार में जैसे पूरे तरीके से पागल हो चुके हों, ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। आप आपकी तरफ हाईली अट्रैक्शन इनको फील हो रहा हो, ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। यू नो, आपकी तरफ, आपने हमेशा इनको एक इमोशनल सपोर्ट दिया है, इनके साथ हमेशा खड़े रहे हो इनके बुरे वक्त में, ठीक है। वो इस इमोशनल सपोर्ट को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा प्यार इन्हें कभी किसी ने नहीं दिया है, कभी कहीं नहीं देखा। इवन मैं कहूंगी कि इनकी फैमिली भी अगर देखी जाए ना, तो इनकी फैमिली भी बहुत प्रैक्टिकल है या रफ एंड टफ है। इनकी प्रैक्टिकल में या तो इनकी फैमिली में या इनके चाइल्डहुड में भी कभी इनको इतना प्यार नहीं मिला जो प्यार आपने इन्हें दे दिया, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता बहुत कम समय का हो सकता है, यानी हो सकता है कि आपका रिश्ता बहुत कम समय का था,
एक महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ठीक है, बहुत कम समय का रिश्ता हो सकता है आप लोगों का। मैं सबके साथ नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिनके साथ ये चीजें रेजोनेट हो रही हैं वो रख सकते हैं। तो बहुत कम समय के रिश्ते में भी इतना अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं कि इन्हें लग रहा है कि मैं चाहकर भी भूल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, आपको लिटरली उनको ऐसा महसूस हो रहा है ना कि वो चाहकर भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। तो एक इमोशनल बॉन्ड आप दोनों के बीच में है जो जुड़ चुका है। ठीक है, और ये क्यों जुड़ चुका है? कहीं ना कहीं क्योंकि आप सोलमेट्स हो, आप ट्विन फ्लेम हो, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल बॉन्ड आप दोनों के बीच में जुड़ चुका है। अगर वहां आप उदास होते हो तो उन्हें पता लगता होगा, वो उदास होते हैं आपको पता लगता होगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप दोनों ना चाहे इस समय बात नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। चीजें यहां खत्म नहीं हुई हैं। ठीक है, अगर ये किसी के इन्फ्लुएंस में थे, अभी तक अगर ये व्यक्ति किसी के इन्फ्लुएंस में थे, आई कैन सी दैट एनर्जी कि अब ये उस इन्फ्लुएंस से भी बाहर आ रहे हैं। ठीक है, ये हकीकत देख पा रहे हैं, ये सच्चाई देख पा रहे हैं, इस रिश्ते की सच्चाई को देख पा रहे हैं, ये अवेयर हो रहे हैं जो इनके दिल में आपको लेकर प्यार है वो उसका एहसास इन्हें हो रहा है, इन्हें रियलाइज हो रहा है कि इनके दिल में कितना प्यार आपके लिए भरा हुआ है। और अगर वो इस तरीके से अभी तक उस प्यार को नहीं समझ पाए, लेकिन अब ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ना इनको पूरे तरीके से वो रियलाइज करवा रही है कि इनके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए। ठीक है, तो अपने उस प्यार का कहीं ना कहीं ये सामना कर रहे हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो यहाँ पर सबसे पहले है, आई फील गिल्टी ऑफ व्हाट आई हैव डन। वो बहुत ज्यादा पछता रहे हैं जो भी उन्होंने करा है पास्ट में, एंड उन्हें नहीं पता कि आप क्या महसूस कर रहे हो, बट वो बहुत उदास हैं। एंड जब भी वो आपको देखते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है उनका। उन्होंने बहुत एडजस्ट करने की कोशिश कर ली, आपके बिना रहने की कोशिश कर ली, लेकिन वो अब समझ चुकी हैं कि आपके बिना जी पाना उनके लिए आसान नहीं है। आप दोनों की बातें वर्ड्स के बिना भी हो सकती हैं, इस तरीके से कनेक्शन है आप दोनों का। वो आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि आप क्या हो उनके लिए। आपको रियलाइज भी नहीं होगा, लेकिन हर्ट वो भी हुए हैं और दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट योर पार्टनर एनर्जीज, ये उनके एनर्जीज हैं। कैसी लगी रीडिंग गाइस, जरूर मुझे बताएं। होप सो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आज ये रीडिंग कनेक्ट हो पाई होगी। अगर आपके साथ भी कनेक्ट हुई है तो जरूर मुझे कमेंट्स में शेयर जरूर करें। और बिल्कुल मेरी वीडियोस रेगुलरली आ रही हैं, तो प्लीज़ आप उसे, मतलब अगर आप तक नोटिफिकेशंस नहीं पहुंच रही हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। ठीक है, और मेक श्योर कि आप मेरे चैनल पर जाकर ये चेकआउट कर ले कि आपने बेल आइकन प्रेस कर रखा है या नहीं, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन प्रेस कर रखा है तो ही आपके पास मेरी वीडियोज़ की रेगुलर नोटिफिकेशंस आएंगी, और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा है तो फिर नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी। ओके, सो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। और सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियोज में।